तेंदुखेड़ा थाना प्रभारी श्रृंगेश राजपूत का लड़कियों को धमकी देने का वीडियो वायरल हो रहा है। टीआई ने धमकी देते हुए कहा कि मैं यहां का टीआई हूं, जितना कह रहा हूं उतना होना चाहिए, वरना एक के चक्कर में सबको जेल भेज दूंगा। तेंदुखेड़ा थाना प्रभारी श्रृंगेश राजपूत ने लड़कियों को धमकी दी और कहा कि यहाँ का टीआई मैं हूँ, जितना कह रहा हूँ उतना होना चाहिए, वरना सबको जेल भेज दूंगा। वहीं दूसरी ओर लड़कियां अपना पक्ष रखने के लिए गुहार लगाती रही। मामला जिले में रेत खनन से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने लड़की के परिजनों पर मामला दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि अवैध खनन करते हुए लड़की के परिजनों को फ्लाइंग स्क्वाड ने पकड़ा था, जिसके चलते आरोपी पक्ष को लेने गांव पहुंचे थाना प्रभारी ने यह हरकत की और उनको धमकी दे डाली। ये फालतू पंचायत है, यहाँ का डीआई हूँ मैं। जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो जितना बोल रहा हूँ उतना होना चाहिए यहाँ पर। ये तो एक के चक्कर में सबको जेल भेज दूंगा मैं। भाई अपना ट्रैक्टर बाहर निकालिए, ट्रैक्टर को पूरे घर को मिल जाए मना भाई। सुनिए, अब शांत रहिए, अब दोनों तरफ की सुनिए, आप एक तरफ की सुनिए। मेरे को मतलब नहीं है, सीधी बात, यदि उन्होंने ट्रैक्टर पकड़ा है तो तुमने क्यों छोड़ा गया? नहीं पकड़ा, उनके लड़के कहाँ है? वो तीन कहाँ है? लड़के तो घरे हैं चार, हम तीन लड़के नहीं मिले ना, तो सबको जेल भेजूंगा मैं, ध्यान रखना। मुझे पता चला कि वहाँ पर पुलिस आई थी, मैं वहाँ पर आई, मैं तो गाने लगी, मैं पापा जी को फोन लगा रही थी, उससे मैं टी आई आई, मेरे हाथ में फोन छोड़ा और फेंक दिया। बदतमीज भी की आपके साथ? हाँ, मैं कहा कि करियर बर्बाद कर दूंगा सबका, एक के पीछे सारे के साथ। आज मेरे भाई और दो तीन लड़के और थे, दो तीन लड़के गए होते ना, तो राज्य वाले आते हैं, उनको पता नहीं था, उनको पता था कि मतलब पकड़ने वाले को आते हैं, तो मेरे भाई तीन चार लड़के वहाँ पे थे, तो राल्टी वाले आए, उन्होंने उनको पकड़ा, मारा लग गया है ना, फिर लड़कों को पकड़ के घर लेके आ रहा, मेरे पास बोलते थे मेरे का फिसवाता ये करता है, बदतमीजी करने लगे और ऐसे मक्का थुक्की करने लगे, लत मारने लगे है ना। तो क्या हुआ कि मेरे भाई ने भी पकड़ने अपने बचाव किए, तो अपने बचाव करते करते उनके बाद उनको चोट आ गई। इसके बाद में कुछ लोग और आने, चाचा जी लोग, उन लोगों ने सबका बचाव किया, उनको अलग किया, उन्हें पकड़ के देखो अलग किया, मतलब सबको है ना। इसके बाद मेरे लोग तेनू खड़ा आए, जहाँ देखा यहाँ से एक टीआई सर आए, उस टीआई सर ने घर के सामने सारे दुकानें रोकी, गुंडागर्दी कर घर के अंदर आ गया, बदतमीजी करने लगे। थाना तेंदुखेड़ा क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में कुछ लोग अवैध रेत का उत्खनन कर रहे थे, उन्हें रोकने के लिए जब यहाँ की जो रेत कंपनी है धनलक्ष्मी, उसके कुछ लोग ने जाकर वहां पर उन्हें रोका, तो ये तीन मुख्य आरोपी हैं, क्योंकि गोलू चौधरी, रोशन लाल चौधरी और छोटे लाल चौधरी ने वो कंपनी के लोगों के साथ मारपीट करी और दो लोग वहां पे बेहोश हो गए। इसी दौरान थाना प्रभारी तेंदुखेड़ा वहां पहुंचे और उन दो लोगों को गाड़ी में बिठाया। उन लोगों के द्वारा जब बताया गया कि गोलू चौधरी, रोशन लाल चौधरी और छोटे लाल चौधरी के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है, तो इनको जो है मौके से गिरफ्तार करने के लिए जब थाना प्रभारी वहां पर पहुंचे, तो उनके परिवार की जो महिलाएं हैं वो उनके बचाव में आ गई और थाना प्रभारी को जो गाड़ी थी जिससे कि रेत का उत्खनन कर रहे थे, ट्रैक्टर ट्रॉली को नहीं ले जाने दे रहे थे, उसी के दौरान संभावित यह वीडियो है, इसकी प्रकरण की हम लोग जांच एसडीओ की तेंदुखेड़ा के माध्यम से करवा रहे हैं। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर, विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।